मोबाइल ऐप पर मंदिरों का दर्शन कर पूजा किए जाने का हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मोबाइल ऐप से मंदिरों के दर्शन कर दान दक्षिणा देने से मोबाइल ऐप कंपनी पैसा कमाएगी, जबकि पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों के रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थलों का अपना महत्व होता है और इसलिए इस तरह की मोबाइल ऐप को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं श्री मंदिर मोबाइल ऐप के फाउंडर के मुताबिक डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक स्थलों का ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, जिससे वहां ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और पुरोहितों को इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि दो दिन पहले हरिद्वार में श्री मंदिर नाम की मोबाइल ऐप पर डिजिटल मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के कई मंदिरों को भी शामिल किया गया है। लाखों लाख उन ब्राह्मणों की आजीविका पर कुठाराघात है, साथ ही उन मंदिरों के प्रति जो आस्थावानों का लगाव है, जो वहाँ की देवत्व है, जो वहाँ की श्रद्धा और भावनाएं हैं, वो सभी प्रभावित होंगी। और अगर आप ये सारे काम घर बैठे ही करते रहना चाहते हैं तो निरंतर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मंदिरों के और भगवान की मूर्तियाँ वगैरह विभिन्न विभिन्न प्रकार से दर्शाई जा रही हैं, तो व्यक्ति वहां भी पूजा कर सकता है। लेकिन जो मंदिर की जो तपस्या है, जो वहां की श्रद्धा है, जहां पर देवी देवताओं ने बैठकर तप किए हैं, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को मिलनी है वो डिजिटल माध्यम से।